सदारती इंतखाबात के नतीजे आने का सिलसिला शुरू। डोनाल्ड ट्रंप 212 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे, कमला हैरिस 119 वोट लेकर पीछे। 19 रियासतों में ट्रंप और 12 में कमला हैरिस कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 42, डेमोक्रेट्स की 33 नशिस्तें हो गई हैं। जॉर्जिया, न्यू कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सन में 8 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार है। बशर के वस्ता पर हमला कर देगी। ट्रंप ने मुसलमानों से वोट मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रिपब्लिकन को वोट दें और अम वापस लाएं। कमला हैरिस और उनकी काबीना लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। कमला हैरिस ने पैगाम दिया कि अवाम नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दें, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खौफ, अहम इमारतों के बाहर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल। व्हाइट हाउस के गेट मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आसपास रेस्टोरेंट्स और दुकानों के शीशों पर प्लाई बोर्ड लगाने का काम जारी। बाइडेन इंतजामिया कैपिटल हिल हमले जैसे वाकये से बचना चाहती है, जबकि सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर किए। और अमरीका आज रात हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल तजर्बे के लिए तैयार है। बरतानवी मीडिया का कहना है, अमरीकी मिसाइल की रफ्तार 15,000 फीट प्रति घंटा से ज्यादा तक जा सकती है।